सो हे गाइस, आज आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे कंप्यूटर से कैसियो CTX 700 को कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर को, ठीक है। उसके साथ मैं एफएल स्टूडियो एंड क्यूबेस 5 में भी आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि हमको कौन से सेटिंग को रखना है और कैसे उसको कनेक्ट करना है, और इसका VST प्लगइन को कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर जो हमारा केसियो होता है उसका भी इंटरनल जो साउंड होता है उसको कैसे यूज़ में लेना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं वीडियो को, तो मोबाइल को ऐसे। तो ये है दोस्तों मेरा सेटअप, ठीक है, जैसा भी आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये है ना। तो देखिए मैंने कंप्यूटर ऑन कर लिया है, और ये हमारा है कैसियो CTX 700, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी प्यारा लुक है, ठीक है। अब ठीक है, चलिए अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो मैंने इसको ख़रीद करके लाया है, ये नॉर्मल आपका प्रिंटर बी टाइप केबल है, B2A लगता है इसको लाया है। अब हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे पीछे इसके पोर्ट में, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको। तो अब इसमें हम इसको ऐसे कर लेते हैं कनेक्ट। ये देखिए हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको, इसका जो पावर केबल है इसको भी हमने लगा के रखा है। पावर केबल लगाना जरूरी है क्योंकि ये नॉर्मल जो MIDI होती है उसमें मतलब पावर केबल नहीं होता, डायरेक्ट कंप्यूटर के इस MIDI केबल से ही वो ऑन हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको MIDI लेने के लिए भी आपको इसको लगाना होगा, इसका पावर केबल को। तो ये लगा हुआ है, तो हम इसको अब ऑन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर से ये बटन को ऑन नहीं किया था, इसके अडाप्टर की वजह से ऑन नहीं हो रहा था। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो ये स्टैंड है इसको भी मैंने मंगाया था, ये 1000 का पड़ गया। ऐसे डबल वाला स्टैंड है ये, तो बहुत ही मजबूत स्टैंड है, इसको मैंने दिखाना भूल गया। अब हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं ऑन होता है या नहीं। तो देखिए हमारा ये ऑन हो चुका है, और यहाँ पर देखिए जैसे ऑन किया ये इंस्टॉलिंग हो गया ऑटोमेटिक, कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये इंस्टॉल हो गया है। और फिर अब देखते हैं योर डिवाइस रेडी आ रहा है, दिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन लोग ओपन करते हैं एफएल स्टूडियो, देखते हैं वहाँ पर कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो मेरा लेटेस्ट वर्जन है एफएल स्टूडियो का, तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। और ये है मेरा कंडेंसर माइक्रोफोन। तो ये हमारा जो है यहाँ पर एफएल स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पर टूल्स में, और सॉरी ऑप्शंस में आते हैं MIDI में, और देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों आ रहा है केसियो USB MIDI, ठीक है। उसको हम इसके यहाँ पर क्लिक करके ये इनेबल कर दिए, हमारा MIDI इनेबल हो गया USB MIDI। अब देखिए मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये तो बज रहा है, लेकिन जो हमारा वो नहीं बज रहा, उसमें देखिए इसमें अलग आ रहा है, उसमें अलग आ रहा है, ठीक है। तो हमको इसको यूजर सेटिंग में करना होगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये तो कनेक्ट हो गया है, साउंड आता होगा, देखिए मैं वेलोसिटी को बंद कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ठो ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं स्वर प्लग को ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बेंजो को, ठीक है। तो हमने बेंजो को ले लिया है। अब मैं देखिए यहाँ से दबा रहा हूँ बटन को, इसमें से कनेक्ट हो गया। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं क्यूबेस में, ठीक है। तो हम इसको, हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, अब ओपन कर लेते हैं क्यूबेस। थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, क्यूबेस ओपन हो जाता है फिर आपको मैं दिखाता हूँ, तब तक वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा क्यूबेस भी ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं क्रिएट, और यहाँ पर एड इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक, ठीक है। अब यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं कोई सा भी, जैसे मैं यहाँ पर नाइट लाइफ को ओपन कर रहा हूँ। अब
देखिए यहाँ पर भी आ गया है, जैसे मैं मेरा कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे आने के बाद चेंज कर लेता हूँ, टन इसका टोन को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि जो भोजपुरी का फेमस है उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सेट कर लिया है जो कि भोजपुरी में ज़्यादातर बजने वाला, मतलब एक तरह का कहेंगे तो प्रीसेट है नाइट लाइफ का। तो यहाँ पर बजा के दिखाता हूँ मैं। ये ऐसा मतलब बज रहा है, इसका वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, तो होल्ड करके रखेंगे। अब देखिए ये नॉर्मल आ गया है, वेलोसिटी इनेबल हो गया है। अब ठीक है, अब जैसे कि नॉर्मल, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं क्यूबेस में। अब यहाँ पर मैं दूसरा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, दूसरा कनेक्ट कर लेते हैं इस पर एड इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक पे। आने के बाद यहाँ पर मैं अदर में इसको करता हूँ मैं, ठीक है, सिलिंथ को। अब इसको ओपन करता हूँ, अब यहाँ पर मैं प्रीसेट ले लेता हूँ दोस्तों। ओ तो ये दोस्तों, इसको मैं एक्टिवेट नहीं किया हूँ अभी ना इस पर, तो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है ये, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। मैं एक आठ और भी आपको कुछ यहाँ पर ट्रैक ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अभी तक इस पर नहीं बनाता था क्यू बेस पर, तो इस वजह से इस पर ऐड नहीं किया हूँ मैं, बहुत सारा अभी खाली है। जैसे मैं यहाँ पर ड्यून 2 को करके देखता हूँ, ये तो ओपन हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसको मैं रजिस्टर्ड कर चुका हूँ। अब देखिए इसको हम यहाँ पर ओपन कर लिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आप लोग, मैं पूरा वीडियो दिखाना चाहता था और दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। बताए कि नीचे बाकी सब आप लोग कमेंट में आप लोग को कैसा लग रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बाय बाय एंड टेक केयर। देख लीजिए कुछ इस तरीके से मेरा भी सेटअप है, ये है ना, तो कोई खास नहीं है बट जैसा है अच्छा है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।